Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, welcome back to another video. This video, we are going to look at the writing module. This video is going to be in Hindi, and English version of this video is already out there. The link is in the description box if you want to watch that. ये वीडियो भाई हिंदी में होगा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राइटिंग में बच्चों का स्कोर क्यों नहीं आता. ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो है, टू द पॉइंट वीडियो है, ट्राई करना, जितना अंडरस्टैंड कर सकते करो. प्रॉब्लम क्या, अभी मैं इंडिया भी गया था, प्रॉब्लम क्या है, बच्चे सिर्फ लगे हुए हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये नहीं समझ रहे कि नंबर मिलेंगे कहाँ से, कहाँ से नहीं मिलेंगे. पीटी बहुत सिंपल टेस्ट है भाई, 6-6 महीने प्रैक्टिस नहीं करता कोई भी बंदा पीटी की, 1-2 महीने प्रैक्टिस करो, मोर देन इनफ है. बट जो वो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए. अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राइटिंग राइटिंग के लिए कितने इंपॉर्टेंट है और बाकी टास्क राइटिंग के लिए कितने इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ राइटिंग के लिए आप राइटिंग पे फोकस मत करो, लिसनिंग पे फोकस करो, रीडिंग पे फोकस करो. लेकिन मैंने अभी रिसेंटली एक पियर्सन का मॉक टेस्ट दिया है. मैंने ये मॉक टेस्ट पहले भी दिया था जिसमें मेरे राइटिंग में 90 आया है. मैंने जो ऐसे उस टाइम किया था और समराइज अटेम्प्ट उस टाइम किया था, सेम कॉपी पेस्ट करके इस बार भी अटेम्प्ट किया ताकि उसमें कोई गलती ना हो, ऐसे और समराइज रिटन टेक्स्ट में मेरे नंबर ना कटे. ठीक है, उसके अलावा समराइज रिटन टेक्स्ट और ऐसे मैंने अटेम्प्ट किया, उसके अलावा रीडिंग भी स्किप कर दी, लिसनिंग भी स्किप कर दी और स्पीकिंग भी स्किप कर दी. ये इसलिए किया है ताकि हम देख सकें कि राइटिंग में कितने नंबर होते हैं और राइटिंग के दूसरे मॉड्यूल से कितने नंबर आते हैं. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ और आपको फिर थोड़ी सी चीजें बताता हूं. ठीक है, अब ये स्कोर आया अपना राइटिंग में 22 नंबर आए हैं, स्पीकिंग में 10, रीडिंग 10, लिसनिंग 10. पीटी में 10 का मतलब 0 होता है, 10 से नीचे नहीं आपके आ सकते. ठीक है, हमने एक समराइज रिटन टेक्स्ट अटेम्प्ट किया मैंने और एक ऐसे अटेम्प्ट किया, दोनों को मिला के 12 नंबर मिल रहे हैं राइटिंग में. रीडिंग में समराइज रिटन टेक्स्ट के 1-2 नंबर होते हैं, वो भी नहीं है क्योंकि जब 2 समराइज रिटन टेक्स्ट आते थे ना पहले बच्चों के तब अराउंड 2 नंबर होते थे, अब उससे भी कम नंबर मिल रहे हैं आपको रीडिंग. इसीलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको राइटिंग के लिए सिर्फ राइटिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए. किस चीज पे फोकस करना चाहिए, अब ये देखो टोटल 6 टास्क हैं जो राइटिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट, ऐसे 2 ये हो गए, तीसरा हो गया रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स जिनको ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स बोलते हैं, फोर्थ ये हो गया समराइज स्पोकन टेक्स्ट लिसनिंग का, फिफ्थ हो गया लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स और 6th हो गया राइट फ्रॉम डिक्टेशन. अब अगर आपको 6-6.5 चाहिए, आपको सिर्फ ऐसे का टेम्पलेट याद करना है, समराइज रिटन टेक्स्ट की स्ट्रेटजी याद कर लेनी है. ठीक है, रोज ऐसे के प्रैक्टिस मत करो, या ये मत समझो कि जो आपके सेंटर में या आपके फ्रेंड ने या आपके ट्यूटर ने आपको टेम्पलेट दिया वो सही नहीं है. हर एक टेम्पलेट सही होता है, टेम्पलेट को आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तभी आपके नंबर आएंगे. तो आपको क्या करना है, जो टेम्पलेट आपके पास है उसमें स्पेलिंग गलत ना करो, उसमें प्रॉपर कीवर्ड्स डालो और उसको प्रूफ रीड करो. समराइज रिटन टेक्स्ट की इजी स्ट्रेटजी है, 2 से 3 सेंटेंस ढूंढो, कनेक्टर से जोड़ दो. इन पे बार बार प्रैक्टिस करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं. आपको किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है, आप फोकस करें समराइज स्पोकन टेक्स्ट पे. समराइज स्पोकन टेक्स्ट में कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए. आपका ऐसे में या समराइज रिटन टेक्स्ट में एक आधा स्पेलिंग गलत भी हो जाएगा ना चलेगा, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी पेनल्टी नहीं है. लेकिन लिसनिंग मॉड्यूल में एक स्पेलिंग गलत होता है, सीधा 1 नंबर लिसनिंग में जाएगा, 1 नंबर राइटिंग में. लेट्स से कि आपके समराइज स्पोकन टेक्स्ट में 2 स्पेलिंग गलत हो गए जो कि नॉर्मली बच्चों के होते हैं, लिसनिंग लेंथ में 5 हो गए, राइट फ्रॉम डिक्टेशन में 6 हो गए, टोटल हो गए 6, 5, 2 हो गए आपके 13 नंबर. ठीक है, सीधा सीधा 13 नंबर राइटिंग में जा रहे हैं, 13 नंबर लिसनिंग में. 99% स्टूडेंट जिनके राइटिंग में स्कोर नहीं आते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है लिसनिंग के स्पेलिंग. बच्चे ये रियलाइज नहीं करते, उनको मैं बोलता हूँ कि स्पेलिंग गलत है, वो कहते हैं यार हम तो सही लिख के आए. भाई जब तुम प्रैक्टिस करते हो तब भी तुम अपनी तरफ से सही लिखते हो, लेकिन आप देखोगे सही जो आपको लगता है वो एक्चुअल में सही नहीं होता. सेम चीज एग्जाम में भी हो रही है, आप अपनी तरफ से तो सही करके आ रहे हो बट वो एक्चुअल में सही नहीं है, तभी आपका स्कोर नहीं आ रहा. पीटी की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि भाई इसको स्कोर नहीं देंगे हम, इसको स्कोर नहीं देंगे, या फिर बच्चे भाई ऐसे ऐसे र्यूमर्स फैला रहे हैं इंडिया में कि सेम सेंटर में दूसरी बार एग्जाम दोगे तो स्कोर रोक लेंगे, या फिर आप पियर्सन के एग्जाम सेंटर में एग्जाम दोगे तो आपका ज्यादा स्कोर आएगा या कम स्कोर आएगा, आप दिल्ली जाके एग्जाम दो तो ज्यादा. भाई कुछ नहीं ऐसा, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको चेक कर रहा है, सही करोगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे. ये बेकार चीजों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप फोकस करें अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए. 6-6.5 चाहिए, रीडिंग पे भी ज्यादा फोकस मत करो, लेकिन 7 चाहिए 7.5-8 चाहिए तो आपको रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स पे फोकस करना और लिसनिंग के तीनों टास्क पे फोकस करना. मैं आपको एक एवरीडे प्लान दे देता हूँ, समराइज स्पोकन टेक्स्ट 2 करो, 10 लिसनिंग ब्लैंक्स करो, 30 राइट फ्रॉम डिक्टेशन करो. कोई भी स्पेलिंग गलत होता है अपने नोटबुक के एंड में 10 पेज छोड़ो, स्पेलिंग लिस्ट बनाओ,
भाई मन नहीं करेगा आपका स्पेलिंग इंग्लिश बनाने का, बट अगर आप बनाओगे अपने मन को मारोगे, एक एक महीना जब प्रैक्टिस कर रहे हो स्पेलिंग इंग्लिश बनाओगे, 100% इंप्रूवमेंट आएगी। 20 रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स करो, ऐसे का सिर्फ टेम्पलेट याद करो, समराइज रिटन टेक्स्ट की स्ट्रैटेजी कर लो, 2-3 दिन बाद एक ऐसे लिख लिया करो, एक समराइज रिटन टेक्स्ट लिख लिया करो, ये करने की जरूरत है। प्लस स्पेलिंग लिस्ट जरूर मेंटेन करो, दैट विल 100% हेल्प यू। इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिलता है, राइटिंग के लिए राइटिंग पे फोकस मत करो, लिसनिंग पे फोकस करो, जहां से मेजोरिटी पॉइंट्स आएंगे। राइट फ्रॉम डिक्टेशन परफेक्ट करो, लिसनिंग ब्लैंक्स परफेक्ट करो, समराइज स्पोकन टेक्स्ट परफेक्ट करो, उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स परफेक्ट करो। फिर अगर आपके पास इनफ टाइम होता है तो कभी कभार ऐसे और समराइज रिटन टेक्स्ट प्रैक्टिस कर लिया करो। ये ही कुछ आपको करना है, राइटिंग 100% बूस्ट होगी। राइटिंग में स्कोर नहीं आता बैठ के टेम्पलेट चेंज करने में, या बार बार ऐसे प्रैक्टिस करने में, या बार बार समरी प्रैक्टिस करने में टाइम वेस्ट मत किया करो, कोई फायदा नहीं होगा उससे। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी और वीडियो चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए मुझे, भाई कई बार तो समझ नहीं लगता मैं टॉपिक कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। अगर कभी भी स्कोर आता है वीडियोस देख के तो डू लेट मी नो। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी इंडिया में भी ब्रांचेज हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रांचेज हैं, आप इस नंबर पर या इस एड्रेस पे विजिट कर सकते हो। प्रैक्टिस जरूर करो, प्रैक्टिस करने के लिए आप languageacademy.com.au अपना कंप्यूटर यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और मेरी रिक्वेस्ट है, एक फ्री का स्कोर्ड मॉक टेस्ट मिलता है वहां पे, ठीक है, आपको स्कोर कार्ड भी मिल रहा है फ्री में, आपको एनालिसिस भी मिल रहे हैं, आपको ट्यूटर फीडबैक भी मिल रहा है, आपको इन डेप्थ डिटेल्स भी मिल रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको। लेकिन आपको इतना करना है कि आपको टेस्ट देना है, वो टेस्ट मैं नहीं दे सकता आपकी जगह बैठ के। तो एग्जाम से पहले आप प्लीज एक जो फ्री में स्कोर्ड मॉक टेस्ट languageacademy.com.au पे मिलता है वो जरूर देकर जाओ, दैट विल 120% हेल्प यू। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून, टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। अब जाके languageacademy.com.au पे प्रैक्टिस करो।